अभी उठो उठो। क्या हुआ? कोई कोई बेल बजा रहा है। इतनी रात को? आई नो। कौन है? इट्स मी स्मिता। खोलो खोलो खोलो। It's over. You guys had a fight? It was not a fight. It was an eye-opener. Ab bas bahut ho gaya. Smita, if you want, you can tell us about it. Maybe we can help. You know, Seema, you guys met her at my birthday. Mm-hmm. So her husband, Manoj, decided to have a surprise party for her. And told Akshay and I should be there to come and say surprise. I told him, please, just come home early. He came late. That's also fine. But after coming back, he's just lying. He's acting all lazy. Like, he's not bothered. Doesn't matter. Abhi chalte hain, bas 2 minute mein chalte hain abhi. So I said, fine. Walked up to him. I was like, let me be a little romantic. Honey, wo Seema ki surprise party hai. Yaar, sabse pehle hume pahunchna hai, yaar. Arre baby, bola na yaar, 2 minute bas. Just 2 minutes. हम लोग अकेले हैं, कैसा प्राइस आउट करने वाले? He just snapped at me, just like that. ये बार-बार होता है। उसके बाद उसने मुझे क्या-क्या नहीं सुनाया। Listen, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं कर सकता। ऐसे मत करो, वैसे करो, ये मत पहनो, वो पहनो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना है। अरे हर चीज़ में रोक टोक यार। Don't burp in public, don't burp in bedroom, don't burp in my presence. What do I do? Problem क्या है तुम्हारी आखिर? It's he who has a problem with me. जो भी बोलती हूँ, right? Whatever I say, वो उसका ही उल्टा करता है, बिल्कुल उल्टा। इसीलिए वो लेट आया, इसीलिए वो लेजी बिहेव कर रहा था। यू रिमेम्बर जब व्हेन वी वर डेटिंग हाउ ही यूज्ड टू डू थिंग्स आउट ऑफ हिज वे जस्ट टू मेक मी हैप्पी? वो सब खत्म हो गया है शादी के बाद, वो बिल्कुल बदल गया है। इट्स लाइक ही इज इरिटेटेड बाय माय प्रेजेंस एंड ही डजंट लव मी एनी मोर। आई डोंट लव। शादी करके बहुत बड़ी गलती हो गई। पांच साल कम से कम समझने के लिए, लेकिन शादी के इस एक साल में मुझे अच्छे से सब समझ में आ गया है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद, I can't stay with him now. I mean, if he doesn't feel my love, if he's feeling suffocated around me, then मेरी भी self respect है यार। Better now? Don't worry. Everything will be okay. Chalo, you sleep for some time and then subah baat karte hain. Okay. Good night. Mamla kuch zyada hi serious lag raha hai. She's in a bad shape. फिट तो लग रही है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तो पता ही है इन दोनों का। जब तक 2-3 महीने में इनकी कोई मेजर लड़ाई नहीं होती है, इनको चैन ही नहीं मिलता है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेट देम स्लीप ओवर, ओके? लेट्स होप सो। अच्छा ये अपना फ़ोन ऑन कर दो, अक्षय कॉल करेगा, हो सकता है ये पूछने के लिए कि इफ शी इज़ हियर। मैं सोच रहा था कि अब ठीक आए हैं तो मैं भी ये सोच रही थी कि अब जब उठ ही गए हैं तो एक कप चाय बना दो। रात को कौन चाय पीता है यार? मैं पीती हूँ। तो फिर तुम चाय पियो, मैं सोता हूँ। अरे गुड नाइट। तेरे बिना मेरे सनम तू है कहाँ? इन रातों की तन्हाइयाँ कह ये रही तू मेरा मुकाम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
ओह अच्छा तुमने ऑलरेडी बना लिए, तुम्हारे लिए भी बनाई है। थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा क्या खाओगी, कुछ बना दूँ? ओके मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी अबाउट लास्ट नाइट यार। नो नो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। तुम ये बताओ कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? गुस्से की बात नहीं है अभी, इट्स नॉट दैट। मैं बस परेशान हूँ कि मैं मॉम एंड डैड को फेस कैसे करूँगी। हाउ विल आई कॉल देम, व्हाट विल आई टेल देम यार? तुम दोनों जानते हो हमने कैसे लड़ झगड़ के ये शादी की थी। इट्स नॉट दैट सिंपल। यू नो तुम्हें अभी उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, पहले अक्षय से तो बात करके देखो। आई एम श्योर ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर हो जाएगी। देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग यार। इनफैक्ट अगर हमारे रिलेशनशिप की कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मुझे अब हुई है। आई मीन नाउ इट्स ऑल क्लियर टू मी। अगर ये सब पहले पता होता ना, आई वुड नेवर मैरी। स्मिता जस्ट रिलैक्स, आई नो दैट यू आर अपसेट राइट नाउ, बट लेट्स थिंक रैशनली, लेट्स टॉक टू अक्षय वंस। क्या बात करनी है यार उससे? उसे बात करनी होती तो वो फोन नहीं कर लेता। सुबह से चेक कर रही हूँ, एक मैसेज नहीं है, एक फोन कॉल नहीं है। उसे ये भी पता नहीं है कि मैं जिंदा हूँ कि मैं मर गई। Did he call you guys? See, you tell me, यार, God forbid, अगर तुम दोनों की लड़ाई हो गई एंड मीरा इफ शी डिसाइड्स टू लीव, तुम उसे जाने देते रात में? तुम चेक नहीं करते वो? वुड यू इवन लेट हर गो इन द फर्स्ट प्लेस? वो भी तुम्हारा दोस्त है, आई अंडरस्टैंड, मगर अगर तुम दोनों को लगता है कि आई एम एट फॉल्ट, यू टेल मी एंड आई लीव। And it may be difficult to choose sides, but you have to choose. You have to choose either him or me. But I... Of course, we're on your side without a question, right? अरे at least मैं तो एक बार अक्षय से बात करता हूँ। नहीं यार, if you're on my side, then you can't be talking to him. मुझे नहीं चाहिए कि वो सोचे कि you know मैं तुम लोगों के through उसको reach करने की कोशिश कर रही हूँ. That's it. Guys, do you know a good divorce lawyer? What? What? डिवोर्स लॉयर? अब हमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ी तो। इट्स ओके, आई विल फाइंड आउट। यार मामला तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, क्या करें? यार मुझे तो लगता है कि एक बार मुझे अक्षय से बात करनी चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट उसको ये तो पता चले कि स्मिता के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू जाना जरूरी है। आई नो बट लेट्स नॉट टॉक टू हिम। लुक वो कैटेगोरिकली हमें बता के गई है कि हम उससे बात ना करें, थिंग्स माइट गेट कॉम्प्लिकेटेड फर्दर। तू पागल है क्या? तू अभी फोन कर रहा है? सुन स्मिता तेरे घर पे ही है ना? हाँ स्मिता तो यहीं पर है, कल रात को आ गई थी, लेकिन हुआ क्या है? चल जस्ट वॉन्टेड टू चेक दैट यार। अरे पर मुझे ये तो बता, प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के बीच? प्रॉब्लम क्या होनी है यार, वो रोज का ही है यार, हर बात में उसे अपनी मर्जी चलानी होती है। अब क्या सारी जिंदगी उसके इशारों पर नाचता रहूंगा? तो बताओ, छोड़ना यार आपस की बात है। ज्यादा कुछ बोलूंगा तो बोलेगी कि अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी चुगली कर दी तुमने, जस्ट लीव इट। यार मगर ऐसा क्या हो गया कि वो डिवोर्स लॉयर का नंबर मांग रही है? व्हाट? डिवोर्स लॉयर्स? या आई कांट बिलीव दिस यार, आई मीन अनबिलीवेबल। You know what? यही उसकी बात है जो मुझे इरिटेट करती है। छोटी सी छोटी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देती है यार। और मैं जानता हूँ ये सब क्यों कर रही है, मुझे डराने के लिए, ताकि मैं डर जाऊँ। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया मैं डरूंगा नहीं। Yeah, I know, तू जो कह रहा है वो सही है, उसको डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। That's very wrong. I'm sure उसने ये भी कहा होगा कि सारी गलती मेरी है। तुझे पता भी exactly मेरे साथ क्या हुआ था? Dude had such a terrible day at office यार। बॉस का दिमाग खराब था, उसने सबका दिमाग खराब कर दिया। ऊपर से बारिश, ट्रैफिक, अरे यार मेरी गाड़ी भी टच हो गई यार। मैं घर आया, मैंने सिर्फ दो मिनट मांगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिलैक्स फॉर टू मिनट्स, दैट्स इट, 120 सेकंड्स, एंड शी इमीडिएटली वॉन्टेड टू लीव यार। बेबी प्लीज जाओ, गेट रेडी ना, जाना है बाबा। अब तू मुझे एक बात का जवाब दे, आई एम द हस्बैंड, शुड शी हैव कंसर्न फॉर मी और फॉर दैट बर्थडे गर्ल यार? यार लेकिन ये तो कोई रीजन नहीं होना इतनी बड़ी फाइट का। नो नॉट एट ऑल, उसके बाद जो एक्यूजेशंस लगे वो तो सुन। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, ठीक है तुम्हारा दिन खराब था, बट तुम अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? यू ऑलवेज ट्रीट मी लाइक दिस। ऑलवेज? मेरा बस यही काम है कि मैं फ्रस्ट्रेशन अपनी उस पर निकालता रहूं और इसे परेशान करता रहूं, और उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के बाद गिड़गिड़ा भी मैं ही रहा हूं, सॉरी भी मैं ही मांग रहा हूं। बेबी आई एम सॉरी। पहले तो अजीब अजीब से डिमांड्स पूरी करो। आई अंडरस्टैंड यू आर टायर्ड बट वी कांट बी लेट ना, चले? और अगर डिमांड्स पूरी ना कर पाऊं तो फिर सॉरी बोल बोल के मनाता रहो। लिसन आई डिडंट मीन टू स्पीक टू यू लाइक दैट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल गेट रेडी, जस्ट 2 मिनट्स। चलो चलते हैं।
मुझे नहीं जाना, और वैसे भी अब जाके फायदा नहीं। और फिर भी अगर जीना भरे तो डेंटिस्ट जांच कराएं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कुछ ठीक नहीं करती। I know you don't love me anymore. And once she starts crying, then she expects you to agree with everything she says. भाई, हर बात पे agree करता हूँ। ऐसा नहीं कि agree नहीं करता हूँ, लेकिन कभी-कभी किसी बात पे disagree कर जाऊँ, then come the ultimatums. Stop it, okay? Just stop this right now. And if you don't, then I'm leaving this house forever. इस बार मैंने फैसला कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं। जाना है तो जाए। I'm not gonna fall for this. I completely understand your point. You're right. But sometimes in a marriage, it's not about who's right and who's wrong. वो अगर बच्चे की तरह बिहेव कर रही है तो तू क्यों बच्चा बन रहा है? भाई शादी की है, बच्चा गोद नहीं लिया है, उसे डिवोर्स चाहिए ना। Now I'll see her in court. यार अक्षत तू ना मेरी मीरा। हाँ। अच्छा लिसन, अक्षय का फोन आया था। मैं अक्षय से बात की। अरे तो उसका फोन आया था तो उसे बात नहीं करता क्या? अक्षय का फोन आया था, क्या कह रहा था? He told me his side of story. Which is? यार जितनी गलती उसकी है उतनी गलती स्मिता की भी है। अभी कल रात को स्मिता ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि गलती इसकी है? Really? ऐसा क्या ब्रेन वॉश कर दिया अक्षय ने तुम्हारा? ब्रेन वॉश? अक्षय ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया है, लगता है स्मिता ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। तुम कैसी बातें कर रही हो यार? मैं अभी वॉच योर टोन। स्मिता से इस तरीके से बात मत करो, शी इज अ गेस्ट इन आवर हाउस, शी इज ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट। सो इज ही। तुम्हें क्या लगता है वो वहां पे एंजॉय कर रहा है? बेचारा रात भर सोया नहीं है यार। अभी अक्षय इज ऑलरेडी टर्निंग आउट टू बी डिसअपॉइंटिंग, प्लीज तुम उसका पैटर्न फॉलो मत करो। डिसअपॉइंटिंग? अब अक्षय डिसअपॉइंटिंग हो गया? जस्ट स्टॉप इट गाइस प्लीज। आई एम सॉरी, आई शुड लीव। Yes, no, you shouldn't. You must go back to your place and say sorry to Akshay. एक मिनट, ये क्यों सॉरी बोलेगी? Why will she say sorry? अक्षय ईगो दिखा रहा है, लेकिन तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? इसमें ईगो की बात कहाँ से आ गई यार? बेचारा दिन भर का थका हुआ था, अगर बर्थडे पार्टी में 2 मिनट लेट चले जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी? उसने तो सिर्फ रिएक्ट किया था। तुम्हें लग रहा है कि स्मिता ने इशू क्रिएट किया था? तब तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं भी ये इशू क्रिएट कर रही हूँ, राइट? अच्छा तो मुझे ये बता दो कि आज तक ऐसे कौन से ओकेजंस पे मैंने इश्यूज क्रिएट किए और तुमने रिएक्ट नहीं किया? यार मीरा प्लीज, ये सब बातें ना हम बाद में करेंगे। नहीं 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 नहीं, बाद में क्यों बात करेंगे? अभी जब खुलकर बात करें तो अभी बताओ ना, ये जो परफेक्ट हस्बैंड बने रहते हो, क्या ये सब सिर्फ एक फसाद है? लिसन, मे बी आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू हैप्पी, और अगर तुम ये अप्रिशिएट नहीं कर सकती ना, देन यू डोंट डिजर्व मी। रियली? यस। आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड दैट। आई एम लीविंग। नो यू नॉट, तुम कहीं नहीं जा रही। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना अभी का है, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना दैट आई विल स्टैंड बाय यू, आई विल कीप माय प्रॉमिस। ओके, यू कीप योर प्रॉमिस, बट इन दैट केस आई एम लीविंग। सूट योरसेल्फ। So sorry यार, मेरी वजह से तुम दोनों का झगड़ा हो गया। Don't be silly यार, it's not your fault. जो होता है अच्छे के लिए होता है। I've always believed that, and I've always lived with that theory. यार अगर उसके दिल में मेरे लिए इतनी negativity है, तो it's better हम साथ में नहीं रहे। Tell me something, जब अक्षय ने तुम्हें ये सारी बातें कही, तो क्या तुम उसके साथ रह पाई? नहीं ना? I mean, अभी may not have been that blunt, but that's what he implied. I know, मगर एक बार तो उसे रोक लेते। Just once. It's okay. It's okay. He made his decision. I didn't force him to make it, and I can't force him to change it. I have to respect his decision. You know, maybe it's for the best.
You got a bag. Is it? कायम अबे ये मेरा बैग है, मैं भी घर छोड़ा है. क्यों? अबे लेकिन तू क्यों घर छोड़ के आ गया? तू सही बोल रहा था यार. वी हैव टू स्टॉप दिस. इन लोगों का ना दिमाग खराब हो गया है. तुझे पता है ये हमारे सर पर क्यों बैठती हैं? क्योंकि हम इनको बैठने देते हैं. Dude, यार कम ऑन. आई मीन मीरा इज नॉट लाइक दैट. हाउ डू यू नो दैट? आई मीन आई नो हर यार. शी इज सच अ पॉजिटिव सोल. शी इज वेरी स्वीट. ऐसे तो स्मिता भी बहुत स्वीट है यार. She has been very nice to us, always. तू तो समझता है यार, ये सब बाहर कुछ और होते हैं और घर के अंदर कुछ और. अपने ही घर में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है. गलती से कहीं कुछ गलत बोल दिया तो 4 दिन ड्रामा. ये भी कोई जिंदगी है यार. 6 साल से परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम है. उस बात का भी ताना मार दिया उसने मुझे आज. आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक्सपेक्ट क्या करती है मुझसे. व्हाई डज शी टेक मी फॉर ग्रांटेड? लेकिन अभी आई मीन यार, तू ऐसी बातें करेगा तो फिर कैसे चलेगा? आई मीन यू आर माई इंस्पिरेशन ब्रो. नो डूड, यू आर माई इंस्पिरेशन. यस, तूने मेरी आंखें खोली हैं. जो काम मैं 6 साल में नहीं कर पाया तूने 1 साल में कर दिया. तेरी वजह से तो मुझे हिम्मत आई कि मैं इतना बड़ा स्टेप ले सकूं. एंड दिस वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. एंड इट्स फाइनली ओवर. एंड आई एम वेरी हैप्पी. कुछ पिला तो यार. हाँ वो मैंने चाय रखी है, मैं आता हूँ लेके. चाय? चल चाय पिला दे यार. हाँ आकाश, अरे तुम पीपीटी रेडी करो, मैं आ रहा हूँ. बस पहुँच रहा हूँ. यार एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा लैपटॉप घर पे रह गया. तो ऑफिस के रास्ते में तो जाके ले लियो. लेकिन मैं घर कैसे जा सकता हूँ? मीरा होगी ना वहाँ पर. आई डोंट टू लुक लाइक अ फूल इन फ्रंट ऑफ हर यार. अच्छा एक काम करते हैं, अपन दोनों चलते हैं. तू बस ऊपर जाके मीरा से लैपटॉप ले लेना. यार मैं ऊपर नहीं जाऊँगा यार. अरे स्मिता भी तो होगी यार ऊपर, मेरे को ऊपर नहीं जाना. तो क्या फर्क पड़ता है स्मिता होगी तो? मैं तो बोलता हूँ उल्टा अच्छा है. तुझे उससे बात भी करने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ देखना भी मत. फुल एटीट्यूड में रहना, लाइक अ कूल डूड. उसे भी पता चलना चाहिए हु इज द बॉस. सही बोल रहा है भाई. चल लैपटॉप लेके आते हैं. Hey. Hi. Is Meera there? I've actually come to collect Abhi's laptop. Meera? Meera? Akshay hai. Abhi ka laptop chahiye use. Coming. Do you want something? Water? No, I'm good. Tu usse baat bhi karne ki zarurat nahi hai. Uski taraf dekhna bhi. Full attitude mein rehna. Like a fool. What happened was very unfortunate. Yeah. So how's she feeling? Is she okay? No, she's not okay. She's calm and she's quiet. It's actually scary. वो अभी कैसा है? बहुत गुस्से में. यार हमारी वजह से इन दोनों का झगड़ा हो गया. Should we do something? Can we do? Akshay? Yeah. What are you doing, Meera? Abhi ko laptop chahiye na? Ye not about laptop, yeah. What are you guys actually doing? What? Kya kar raha hai yaar tu? Late ho raha hu main. Are ek second, abhi rukna. Do minute andar chal ke baat karte hain. Are mujhe koi baat nahi karni. Are 2 minute yaar, 2 minute kya keh raha hu. 2 minute andar chal ke baat karte hain na, kya problem hai? Please just 2 minute. इसीलिए तो शादी की थी, राइट? एग्जैक्टली. प्यार करती है इसीलिए हक जता रही है. जिस दिन बोलना बंद कर देगी ना दैट यू डोंट लव मी एनीमोर, उस दिन समझ जाओ शी एक्चुअली डजंट लव यू एनीमोर. एंड ही लव्स यू सो मच. मीरा ऐसा कोई ओकेजन गया है जहाँ पे ही हैजंट सरप्राइज्ड यू और मेड इट स्पेशल फॉर यू? बर्थडे, एनिवर्सरी, एनीथिंग? अरे तेरा वाइन ग्लास खत्म होने के पहले तेरे को रिफिल मिलती है यार. एग्जैक्टली. और तेरी फेवरेट चाय कौन बनाता है? मीरा. तू खुद भी नहीं बना सकता. कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों यार. ऐसी छोटी सी बात हुई कि रिलेशनशिप टूट गया, निकल गए. झगड़े किसके नहीं होते? तेरे मॉम डैड के झगड़े नहीं हुए क्या? तो शादी टूट जाती है. अरे मॉम डैड के झगड़े हो, उनके मॉम डैड के झगड़े होंगे. इट्स ओके यार, चिल. एग्जैक्टली. बैग उठाया, निकल गए. बात क्या यार? कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 6 साल.
एंड यू गाइस आर स्टिल डाउटिंग ईच अदर्स इंटेंशन. ऐसा लगता है कि इतने सालों से एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे थे अपने आप को. शादी तोड़ना बहुत आसान है बट द चैलेंज इज टू मेक इट वर्क. किसके वर्ड्स थे? योर वर्ड्स अभिमन्यु. क्या वो कुछ समझ में आ रहा है? हमें तो समझ में आ रहा है, तुम्हें को समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. हमारी लड़ाई तो नकली थी लेकिन तुम अपने आप को देखो, तुम दोनों तो सच में लड़कर बैठे हो. और ये जो तुम ज्ञान हमें बांट रहे हो ना, इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो. ये सारी बातें तो हमने 6 साल पहले रियलाइज कर ली थी, वरना अभी तक कम से कम हमारे 15-20 डिवोर्स तो हो गए होते. Yeah, he is really difficult to live with, huh, by the way. One second. नकली थी मतलब? मतलब ये सब ड्रामा था, तुम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे? नहीं, we had to do this drama क्योंकि तुम लोग को सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा था. बैग लेके निकल गया. घर पे आ गया इमेजिन. कौन यार? Say sorry. I was just about to say sorry only. So I'm sorry. I'm sorry. यार अक्षय, मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार. ये बोल रही थी कि जो फिल्म सबसे घटिया होती है, जिसके सबसे गंदे रिव्यूज होते हैं, तो उसी की टिकट लेकर आता है मतलब? Exactly. We really hope that you liked our mini series. Thank God for friends. And if you did, please like, share, and subscribe to Shitty Ideas Trending. And do leave us a comment. Yes. Yeah! It's all-